डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित हेल्पिंग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भीम वाटिका देवरी में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे आयोजन स्थल पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन के बैनर तले हेल्पिंग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भीड़ वाटिका देवरी पर आयोजित हुई इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बालक बालिका जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले प्रतियोगिता में आए मुख्य अतिथियों को भी आयोजन समिति द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के बारे में प्रतियोगिता के आयोजक आर्मी ट्रेनर मास्टर जितेंद्र कल्याण और उनकी टीम ने जानकारी दी। ये प्रतियोगिता 5 किलोमीटर की दौड़ कराई है हेल्पिंग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से, जिसमें आगरा की नहीं मतलब आगे कई गाँव के लोगों ने पार्टिसिपेट किया बच्चों ने, और जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ प्राइज रखे हैं। और चार कैटेगरी में, जैसे हमारे बड़े भाई कोच आदरणीय जितेंद्र कल्याण जी ने बताया है कि चार कैटेगरी में ये रखा गई थी ये दौड़, जिसमें सभी लोगों को अच्छे प्राइज भी दिए हैं। सभी लोग गदगद होके गए हैं बच्चे, और सभी हमारे साथियों का सहयोग रहा और उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये हमने 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता करी थी जिला लेवल की, और इसका उद्देश्य यह था कि जो पुलिस और आर्मी की भर्ती देख रहे हैं उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी अपनी क्षमता को पहचानने के लिए यह हेल्पिंग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें आगरा के काफी जगह से खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें कितना प्राइज टोटल हुआ, क्या प्राइज दिया गया? इसमें 2 कैटेगरी में हुई, जूनियर और सीनियर, यानी ग्रुप बनेंगे आपके जूनियर में गर्ल्स एंड बॉयज और सीनियर में गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो विजेता है उसको गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो और 500 रुपए कैश प्राइज दिया है, और जो उपविजेता रहे सिल्वर मेडल उनको मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल दिया है। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए आगरा से विकास यादव की रिपोर्ट।